आदाब जय हिंद, मैं सईद सुल्तान, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करमपुर चौधरी ग्राम में, जहाँ का ये रोड आप देख रहे हैं मेरे साथ कुछ लोग हैं, कौन सा लगता है कासिमपुर रोड है ये हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे क्या स्थिति यहाँ के रोडों की। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। अनुपम राठौर। तो क्या यहीं रहती है आप? यहीं रहती। तो ये जो स्थिति है कब से है? जेतू सर 4-5 साल से है, पर 2 साल से इसका ज़्यादा ही है, जैसा आप देख रहे हैं यही है 2 साल का। तो इसकी शिकायत आपने? शिकायत हर जगह होगी लेकिन क्या क्या आश्वासन दिया? कह देते हैं कि हो जाएगा, हुआ आज तक नहीं। सबसे जो मिट्टी पड़ी है, जो हमने अपने पैसों से खत्म करके डलवाई, आप लोगों ने? हाँ, हमने निजी डलवाई है सर ये मिट्टी। आप लोग बोल रहे थे गिर गए थे, क्या हो गया था? मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मैं खुद इसमें गिर गई। और जो मिट्टी सर हमने 15,000 रुपए इकट्ठा करके डलवाई है भट्टे से, राजेश मोदी। अच्छा, यहाँ कई बार के प्रधान, ये प्रधान जो है कई बार के प्रधान है, प्रधान जाकर अली है, कई बार दूसरी बार बने हुए ये तो सर मुझे नहीं पता, पर इस बार नहीं पता है। तो ब्लॉक के अधिकारियों से और अधिकारियों से कोई आश्वासन नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं, क्योंकि जो हमने खुद ही इतना अपने पैदल चलने लायक करवा दिया। काफी लोगों का रास्ता रहता है ना? हाँ, काफी लोगों का किटारीपुर इधर पर रहा है, कर्णपुर धाम है। देखिए ये रास्ता जो है ये बहुत कई गांव लगते हैं यहाँ से, और फिलहाल तो ये करमपुर चौधरी में आता है, और यहाँ की स्थिति बहुत बद से बदतर है, तालाब में तब्दील हो चुका है ये आप देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने बताया कि हम गिर गए थे, हाथ टूट गया था, स्कूल के जो बच्चे आते हैं वो उस पर गिरते आते हैं, वापस लौट जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, ये इनकी स्थिति है यहाँ के लोगों की। क्या आप बच्चों का क्या बता रही थी? बच्चों के जूते थैली में रख के सर स्कूल भेजते हैं, फिर रोड पे पहनते हैं बच्चे, जूते इसमें गंदे हो जाते हैं, पैंट तो समेट लेते हैं बच्चे, और जूते कैसे समेट नहीं लेंगे? ये बड़े बच्चे तो पैंट समेट लेंगे, हाँ, पैदल जा रहे हैं, और जो छोटे बच्चे बंद हो जाता है सर, जब पानी ओवर हो जाता है बहुत ही ज्यादा वाला आता ही नहीं, तो बच्चों का स्कूल ही बंद हो जाता है छोटों का, पढ़ाई खराब। हाँ, और बड़े बच्चों के तो जूते थैली में रख के रोड पे पहनते हैं बच्चे, ये कंडीशन है, क्योंकि एक दिन छुट्टी कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, स्कूल वाले थोड़ी समझ रहे हैं आपके यहाँ पानी भरा हुआ है। चलिए धन्यवाद। शिकायत हर जगह लिखित में है सर, हर जगह है, हमारे यहाँ एक लोग हैं उन पे ब्यूरा भी है, जिसके यहाँ सबका। हाँ मैडम, आप लोग यहीं रहते हैं क्या? हाँ सिद्धगंगा क्या? अच्छा, ये यहाँ से डेली निकलना होता होगा? डेली, ये कासिमपुर रोड है सर। इसकी ये हालत बनी है, तो आप लोग इसकी शिकायत प्रधान से की आपने? प्रधान से भी की, ऊपर भी की, कभी विधायक से बात की? विधायक से भी की, सभी लोग कॉलोनी के इकट्ठे होके भी गए। फिर क्या जवाब मिला? आश्वासन दे देते, हुआ कुछ नहीं आज तक। अच्छा, अधिकारी से किसी सरकारी ऑफिसर से बात हुई? हाँ, अधिकारी भी आए, वीडियो सर होते हैं वो भी आए। क्या कह गए वो? वो भी देख है, कह गए कि हम करेंगे, हमारे स्तर का नहीं है, ऊपर है, सभी लोग गए भी, वहाँ भी गए। अभी आप बता रही थी गिर गए थे, कौन गिरा था? आप गिरे? मैं खुद गिरी थी, हाथ फ्रैक्चर हो गया। कब से रह रहे हैं आप लोग कॉलोनी में? मुझे तो हो गए 5 साल। हम लोगों 5 साल से इसकी यही हालत पड़ी है? हाँ, 2 साल से तो ज्यादा ही हो गई है सर, क्योंकि पानी का कोई निकासी नहीं है, नहीं इस पे। अच्छा ये बताइए, बाई चांस अगर कोई इमरजेंसी भगवान ना करे आ जाती है, तो एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़े, कैसे आएगी एम्बुलेंस? एम्बुलेंस का खुद नहीं निकल पा रहे हैं, एम्बुलेंस क्या आ जाएगी सर इसमें? ऑटो वाले नहीं आ रहे हैं, पैसा लेके नहीं आ रहे हैं। अच्छा, प्रधान को जानते हैं आपका? हाँ, प्रधान को जानते हैं। क्या नाम है प्रधान? जाकिर अली। कहाँ से, कौन से गांव का क्या है प्रधान? करणपुर चौधरी में आता है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाह रहा है कि पानी का विकास हो जाए, और पानी हमारी तरफ जाकर देखो ऐसी गंगा बह रही है पानी की। तो प्रधान जी कराएंगे, प्रधान जी से कहो। तो प्रधान जी से कहते हैं, तो प्रधान जी कह देते हैं कि सभा सबके हलके में। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं हमारे हलके में है ही नहीं, अब बताओ क्या कही जाए। प्रधान को वोट दिया आपने? प्रधान जी को वोट हम दिया तो मतलब प्रधान जी ने तो पहले ये कह रखी कि हम विकास कराएंगे सब में। अच्छा, अब प्रधान जी विकास करा ही नहीं रहा। आते नहीं कभी इधर प्रधान? नहीं, वोट पड़े जब से तो मुड़का नहीं देखा है प्रधान जी ने। साल भर बाद नहीं, बिल्कुल नहीं आते। साल भर बाद फिर प्रधानी का इलेक्शन आ रहा, फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे, फिर तो वोट ही ना देंगे। हाँ, यही बात। हाँ,
वोट ही नहीं दिए जाएंगे। काम का नहीं उसे निकाल बाहर करो। और हेलो भैया, हेलो भैया, भैया आपका नाम जानना चाहूँगा जो अभी लेकर के आ रहे हैं या सवारियाँ भी इसमें बैठी हुई हैं आपकी गाड़ी में, ये तो लौट भी सकती थी, क्या कहना चाहेंगे? कहने चाह रहा पानी का विकास कराएंगे, जो भी परेशानी है वो रास्ता बनना चाहिए, बनना तो चाहिए मगर बनेगी तो तब जब कहोगे आप प्रधान से और अधिकारी। अंदर ही रहते हो इधर तो डेली चलाते हो गए, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है आपके लिए। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम लक्षित सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं शिवगंगा सिटी में रहता हूँ। ये यहाँ पर रोज निकलते हैं इधर से? हाँ डेली का ही निकलना है। ये जो आपका रास्ते में समंदर बना है जी, तो ये कब से है? ये तो हम लोग अभी हाल ही में शिफ्ट हुए हैं, दिसंबर में हम लोग का घर बना था यहाँ पे, तो उससे पहले भी तकरीबन साल भर से तो मैं देख रहा हूँ जब से यहाँ लेने घर लेने की बातचीत वगैरह हुई है। तो ये प्रधान वगैरह कोई कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें? आए तो थे, देखकर भी गए थे, उन्होंने ये प्रॉमिस भी करा था एक तरीके से कि इसमें कुछ सुधार वगैरह करेंगे, बट अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं। तो आपको देखा, और अभी तो बारिश नहीं हो रही, बारिश में ज़्यादा दिक्कत होती होगी? बारिश में ये ऊपर का जो रास्ता है ये भी चिकना हो जाता होगा? सब हर जगह पानी होता है, वहाँ सब में कीचड़ है, कोई नहीं निकल पाता।